मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को बस्तर संभाग के दौरे के लिए रवाना हुए। रवानगी से पहले सीएम साय ने रायपुर पुलिस ग्राउंड में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अपने दौरा कार्यक्रम को लेकर कहा कि हर बार दंतेवाड़ा से ही चुनाव का आगाज करते हैं, वहीं से लोकसभा चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं। आज दंतेश्वरी माई का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रत्याशियों के ऐलान नहीं होने पर सीएम साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में बिखराव है, कांग्रेस डूबती नहीं है, इनकी नाव में छेद हो गया है और पानी भर रहा है, लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। इतना बिखराव है कि पूर्व सीएम के सामने कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी देखी जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इतना पीड़ित हैं कि उनके सामने बोलना पड़ रहा है कि 5 साल में आपने कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं। हर बार दंतेवाड़ा से ही चुनाव का शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, तो आज भी हम लोग माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ दंतेवाड़ा जा रहे हैं और वहीं से लोकसभा चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं और आज दंतेश्वरी माई का आशीर्वाद लेंगे और आज वहां कार्यकर्ता सम्मेलन है और नारायणपुर में एक आम सभा है। ये मुख्यमंत्री की भी शुरुआत प्रत्याशी तय नहीं कर पाए, नहीं कर पाई बस्तर में और बाकी जगहों में, कैसे देखते हैं जी? पांच सीटों में कांग्रेस प्रत्याशी भी तय नहीं कर पाई, आज से नामांकन की शुरुआत हो रही, कैसे देखते हैं? अब कांग्रेस में बिखराव है और डूबती हुई नैया हम हर बार बोलते हैं, छेद हो गया है, पानी भर रहा है, तो लोग अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं और कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं और इतना बिखराव है कि मतलब मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी को मंच पर ही कार्यकर्ता पिछले 5 साल में उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ है, उनकी सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ से आज इतना पीड़ित है कार्यकर्ता कि उनके सामने मुंह पर बोल रहा है कि 5 साल हम लोग आपसे मिलने के लिए तरस गए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है।